महाराष्ट्र के सियासी संकट पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। गुवाहाटी से अब से कुछ ही देर बाद बागी विधायक का विमान निकलेगा। यह बताया जा रहा है कि विशेष विमान गोवा जाएगा, जहां पर बागी विधायक ठहरेंगे कल तक, और कल उन्हें विशेष विमान से सत्र के पहले मुंबई लाया जाएगा। कामाख्या मंदिर से दर्शन करके निकल चुके हैं ये बागी विधायक। तस्वीरें उस वक्त की जब कामाख्या मंदिर में ये बागी विधायक दर्शन करने के लिए पहुंचे। आज सुबह हमने देखा था कि उनके लीडर एकनाथ शिंदे कामाख्या मंदिर पहुंचे थे, वहां पर दर्शन पूजन, और उसके बाद एकनाथ शिंदे का वो बयान जिस पर सबकी नजर टिकी हुई थी। अनुपम मिश्र मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनुपम, देखिए अब उड़ान भरने की बारी आ गई है, कितनी देर बाद ये उड़ान और कहां के लिए? जी देखिए, अभी भी जो विधायक हैं, ज्यादातर विधायक अभी भी कामाख्या मंदिर के भीतर गर्भगृह जो है जहां पर दर्शन करने गए हैं वहीं पर हैं। कुछ विधायक बाहर आ चुके हैं। एकनाथ शिंदे ने के नेतृत्व में एकनाथ शिंदे सबसे पहले घुसे थे और हमें लग रहा है कि एकनाथ शिंदे सबके बाद निकलेंगे। वो नजर भी रख रहे हैं कि कोई विधायक इधर से उधर ना हो जाए, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था काफी मजबूत की गई है और सभी विधायक इस वक्त यहां पर कामाख्या मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं। दर्शन के बाद जैसे ही वो निकलेंगे बस से, वैसे ही दो बातें सामने आ रही है। एक हो सकता है या तो वो एयरपोर्ट जाएं सामान ले, सॉरी होटल जाएं सामान ले फिर एयरपोर्ट पहुंचे, और दूसरी बात हो सकती है कि यहां से सीधे वो एयरपोर्ट पहुंचे। और लगभग 3:30 से 4 का वक्त बताया जा रहा है जब जो विशेष विमान है उससे ये लोग गोवा के लिए उड़ान भरेंगे, तो 2.5 से 3 घंटा लग सकता है वहां पहुंचने में। फिलहाल गोवा में अगर 4 बजे ये यहां से उड़ान भरते हैं तो फिलहाल तो अभी कामाख्या मंदिर में ही है। दोपहर का 1 बज रहा है और ऐसे में यहां से निकलने में 10-15-20 मिनट का समय और लगेगा। यहां से कुछ विधायक जो हैं एक एक करके बाहर आ रहे हैं। हालांकि जो एकनाथ शिंदे हैं जो ग्रुप के लीडर हैं वो सबसे पहले अंदर गए थे, और उम्मीद की जा रही है कि जब सारे विधायक दर्शन के बाद बाहर आ जाएंगे। हम बात करने को मुंबई में जाके बात करेंगे। ये बात एक विधायक ने अभी हमसे कही, हमें इंतजार है एकनाथ शिंदे का जो सभी विधायकों को लेकर बाहर आएंगे मंदिर से, और जाते वक्त जब हमने पूछा था तो उन्होंने कहा था कि हम मंदिर से दर्शन के बाद आते हैं तो फिर बात करते हैं। तो हमें इंतजार है कि एकनाथ शिंदे आगे की बातों पर क्या खुलासा करते हैं, क्या वो सीधे गोवा जा रहे हैं या मुंबई जा रहे हैं। इन सब बातों का खुलासा भी थोड़ी देर में हो सकता है एकनाथ शिंदे जब वापस मंदिर से बाहर बस में बैठने के लिए निकलेंगे, तभी पता चलेगा, क्योंकि अचानक से कई बार प्लान भी बदल जाता है। और इस बीच हम आपको सुना देते हैं दीपक इस तरह की वो बातचीत जो अब से कुछ ही देर पहले उन्होंने हमारे सहयोगी कमलेश सुतार से की। केसरकर साहब, आज ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट में गई है शिवसेना इस मुद्दे को लेकर कि मुद्दे को चैलेंज किया जाए कि 16 विधायकों का निलंबन पेंडिंग है और तब तक इसके बारे में फैसला ना किया जाए। आपके खेमे में क्या प्रतिक्रिया है इसकी? बहुत अच्छा है ना गए वो, हमारा ये कहना है कि वो निलंबन ही ये है बेकायदेशीर है, तो उनको पूछा भी गया था कि आप 16 लोगों को आप क्यों निलंबित कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि जो पासवान जी के बारे में केस हुई थी उसमें क्लियर कट ऐसे लिखा है कि अगर आपका पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ये अहमियत नहीं रखता, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है और एक्ट में क्या लिखा है वो ज्यादा अहमियत रखता है, और एक्ट की वजह और रूल के हिसाब से हम लोग जब जाते हैं असेंबली में तो अपना गट वहां पे रजिस्टर करते हैं, उसका नेता चुनते हैं, और वो नेता तो शिंदे साहब ही है। और कल भी हमारी मीटिंग हो गई, उसमें वो ये किया गया, फिर से एक रिजोल्यूशन लिया गया कि शिंदे साहब ही हमारा नेता है और जो लोग माइनॉरिटी में है वो उनको बदल नहीं सकते। लेकिन इसका मतलब ये साफ माना जाए कि आपने अभी ये मन बना लिया है कि आपका अलग गुट होगा, किसी पार्टी में शामिल नहीं होंगे, अपना अलग ग्रुप के लिए आपके हम तो शिवसेना गट के सदस्य ही है और हमारा ही गट है। ये जो 14 लोग हैं जिन्होंने ऐसे रिजोल्यूशन दिया था कि शिंदे साहब निकल रहे, उनको हमारा भी मानना पड़ेगा। अभी वो गए हो अच्छा है सुप्रीम कोर्ट में, उनको जाने दीजिए, उनको वहां से पता चल जाएगा कि इन्होंने जो एक्ट किया है वो इलीगल है, और जो उपसभापति ने जो उपाध्यक्ष ने जो निर्णय दिया है वो भी गलत है, उसमें कोई भी ये नहीं है। किशोर का साहब ये माना जाए कि अभी आपने ये मन बना लिया है
कि आपका अलग ही ग्रुप रहेगा और बाकी जो 14 विधायक है वो उनको भी आपके आदेश का फॉलो करना पड़ेगा, आपके विप का आदेश फॉलो करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा ना, हम लोग मेजोरिटी में है, जो मेजोरिटी डेमोक्रेसी का ये प्रिंसिपल ही है, जिसकी मेजोरिटी रहती है वही जीत जाता है। तो हमारे भी अगर पार्टी की मीटिंग हो और इसमें हम लोग नेता पहले जो चुन चुके हैं उसको कोई माइनॉरिटी ग्रुप निकाल नहीं सकता और पार्टी भी उसको नहीं निकाल सकती, उन्हें समर्थन चाहिए विधायकों का।